खान कहते हैं मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। कल डॉक्टर का इंटरव्यू पोस्ट हो गया था और उससे रिलेटेड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो तस्बीह भाई से पूछ के और उनसे उनकी गाइडेंस लेके वो फर्दर उसको प्रोसीड किया जाएगा, जो भी भाई इंडिया और पाकिस्तान से अभी आए नहीं और आना चाहते हैं। अब एक और वीडियो जो मेरी डिलीट हो चुकी है तो उसको मैं रीमेक करूँगा और मे भी आप लोगों ने ना देखी हो, तो वो है टीचर्स की जॉब्स, सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब्स ओवरसीज, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से नहीं आ सकते, इंडिया से नहीं आ सकते और वहाँ अपने वहीं से डिपार्टमेंट से ही अप्लाई कर दें ओवरसीज डिपार्टमेंट से, और कॉल सेंटर्स की जॉब्स जो कि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया बहुत ज़्यादा है, हर एक कंपनी का कॉल सेंटर है। तो आई वुड स्टार्ट विद टीचर जॉब्स, स्कूल टीचर जॉब्स, नॉट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो स्कूल के जो टीचर की जॉब्स होती हैं उनमें या आपको आपकी अरबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इट मींस आपको अरबी आने चाहिए कि आप आगे बढ़ा बता सको, इट मींस इस्लामियात का आपको कुछ मास्टर होना चाहिए बट अरबी आने चाहिए, या आपकी इंग्लिश की डिग्री होनी चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स की होनी चाहिए, ठीक है। ये वो डिग्रीज हैं जो टीचिंग कर सकते हैं स्कूल्स में। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने एक टीचर से हफ्ते दो हफ्ते पहले बात की थी तो उन्होंने बताया था। अब MBA हो गया, इंजीनियरिंग हो गया यानी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, और इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल टाइप की डिग्रीज हैं जो जॉब के लिए दूसरी जॉब्स के लिए और फील्ड के जॉब्स के लिए होती हैं, ठीक है, तो इनकी टीचिंग स्कूल के लिए नहीं, यानी कि वो इतना प्रेफर नहीं करते। तो वो लोग जो इंग्लिश कर चुके हैं लेकिन उनको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, वो यहाँ पे आके विजिट पे आराम से इजीली स्कूल की जॉब्स इंशाल्लाह सर्च कर सकते हैं। सेकंड, एम ए इस्लामियात काफ़ी लोगों ने किया होता है, इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग करते हैं और जिनका बैकग्राउंड होता है तो वो लोग परेशान होते हैं पाकिस्तान में उनको जॉब नहीं मिलती, या अगर आप इंडिया से भी हैं और अगर आपने वहाँ भी इस तरह कुछ डिग्री की हुई तो अगर वो प्रॉब्लम है तो आप अरबिक थोड़ा सा सीख के यहाँ पे अच्छा खासा 6 से 7 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं, आई मीन 6 से 7 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं स्कूल की टीचिंग करके। और जो बाकी हैं, ठीक है, वो फिर अगर जिनके पास ये डिग्रीज हैं इंजीनियरिंग और MBA और ये बाकी इस तरह की जो भी डिग्रीज हैं वो लोग फिर इम्प्रूव करके MPhil करके और PhD करके फिर अच्छे से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जॉब्स कर सकते हैं, 10,000 दिरहम प्लस की जॉब्स कर सकते हैं वो लोग। ये जो टीचर्स की जॉब्स होगी, सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब्स जो है वो क्या है, मेरे एक दोस्त है उसका भी इंशाल्लाह इंटरव्यू करना, वो रेडी भी है, ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम कि सेफ्टी ऑफिसर का वो डिटेल में बात कर सके, माशाल्लाह वो पहले पाकिस्तान में भी माशाल्लाह रहे हैं तो बोलने का उनको प्रॉब्लम नहीं है। सो आप सेफ्टी ऑफिसर का या कोर्स करके आ सकते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, लोग कहते हैं कि इतना ऑथेंटिक नहीं, फिर भी आपने किया हुआ तो है, यानी कि एक वो बंदा जिसके पास वो सेफ्टी ऑफिसर या इससे रिलेटेड कोई कोर्स ही नहीं है वो और आप जिसने किया हुआ उसमें डिफरेंस होगा डेफिनेटली। तो और या फिर आप यहाँ पे आएँ कोई भी छोटी सी जॉब करें, देखें इट्स अ मिशन, मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहता हूँ इट्स अ मिशन है, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता और शॉर्टकट्स में भी कुछ नहीं होता। आप जॉब करें जैसे उन भाई ने किया, इंशाल्लाह उनकी स्टोरी मैं जब कवर करूँगा तो आप लोगों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेंगी। तो उन्होंने 1500 में जॉब की और 10-10, 12-12 आवर्स जॉब की और स्ट्रीट लाइट्स में यहाँ पे पढ़ते रहे और कोर्स किया और माशाल्लाह आप अच्छी खासी पोस्ट में माशाल्लाह अच्छे कमा रहे हैं विद इन 3 ईयर्स। तो आप जो कोर्स करके आ सकते हैं, अब बेटर है अगर निबाश के इस तरह के जो भी शिफ्ट के जो कोर्सेज होते हैं अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में ही ये लोग करा रहे हैं तो वहाँ से करें, क्योंकि ये UK के सर्टिफिकेशन होते हैं तो यहाँ पे आपको आप इंशाल्लाह इजीली आपको जॉब मिल सकती है सेफ्टी ऑफिसर के। फिर इनमें डिफरेंट और आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 4 से 5,000 दिरहम्स एटलीस्ट होगी और उसके बाद फिर आप जब आगे जाते जाएंगे और आप सर्च करते जाएंगे तो आपको और उसमें इनोवेशन और यानी कि पोस्ट नज़र आते जाएंगे जब आप यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ के आपको यहाँ पे वो मिले, पहली जॉब मिले, क्योंकि वो यहाँ के एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। एनीवे, फिर अगर आप लाइसेंस लेते हैं शिफ्ट ऑफिसर के बाद तो आप इनके आउटडोर के कुछ सुपरवाइज़र और मैनेजर टाइप के हो सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी 10,000 प्लस की हो सकती है। एनीवे, ये तो सेफ्टी ऑफिसर की बात होगी और सेफ्टी ऑफिसर पर इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, आई एम नॉट श्योर कब बनेगी बट बंदा राजी है और हमने टाइम ज़रा वो स्केड्यूल करना है। थर्ड इज़ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं और पैसे नहीं विजिट वीज़ा के लिए तो आप क्या करें, मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि विजिट वीज़ा पे हैं, बट अगर बिल्कुल आपके पास ऑप्शन ही नहीं तो आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि आपके कंट्री में ओवरसीज डिपार्टमेंट्स होते हैं,
ठीक है आपके कैपिटल में, जैसे हमारा इस्लामाबाद में है, तो इंडिया का जो भी है, दिल्ली है या बॉम्बे है, बॉम्बे जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग जाके गूगल में गूगल करें, अब उनका एग्जैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर निकालें, वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। ये उन लोगों के लिए हैं जो डिग्री के बाद आना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप लेबर में हैं तो उनके लेबर का भी डिपार्टमेंट होता है, तो आप वहाँ पे जाके लेबर में अपने आप को रजिस्टर करें, किसी भी हेड में रजिस्टर करें कि मैं इस टाइप की जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उनका वो जो ओवरसीज डिपार्टमेंट होता है, उनका कंट्रीज़ के साथ और जो बाकी कंट्रीज़ की कौंसलेट्स होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो उधर से बंदे ढूंढ रहे होते हैं, ये इधर से बंदे ढूंढ चुके होते हैं, तो आपस में मर्ज करते हैं बंदे। ये मैं इसे बता रहा हूँ, मैंने जब एक टीचर से बात की जो पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा था पहले मैं कटर में जॉब करता था, तो मैंने कहा वहाँ कैसे कहते विजिट वीज़ा पे, लोग तो विजिट वीज़ा पे यहाँ थे। उन्होंने कहा मैं ओवरसीज डिपार्टमेंट के थ्रू गया था, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराई थी, क्या थे फिर वापस चले गए, फिर रजिस्ट्रेशन कराई विजिट उस पर ओवरसीज डिपार्टमेंट, और फिर मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, और माशाल्लाह वो यहाँ पे 7,000 दिरहम ले रहे हैं, ओनली मास्टर उन्होंने किया उस बेस पे, और थोड़ा सा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो ये ओवरसीज़ की बात हो गई, अगर आपके पास पैसे नहीं, अगर ओवरसीज़ के आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करें। मैं अगेन ये कहता हूँ कि देखें आप इनबॉक्स करते हैं, आपको नहीं पता वो एट द सेम टाइम कितने लोग इनबॉक्स कर रहे हैं, तो अगर लेट से एटलीस्ट 10 बंदे भी कर रहे हैं इनबॉक्स, ठीक है, तो 10 बंदों को सेपरेट से रिस्पॉन्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रादर के अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं उस कमेंट का वहाँ वहीं पे रिप्लाई करूँ, तो बाकी सारे लोग भी वहाँ से देख सकते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग लेस हो सकती है। और चीज़ की बात हो गई, अब कॉल सेंटर की जॉब की बात करते हैं, और कॉल सेंटर्स में काफ़ी सारे पाकिस्तानी और काफ़ी सारे इंडियंस काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यूके और यूएस के प्रोजेक्ट्स होते हैं जब हम अपने कंट्रीज़ में होते हैं, और उनको लेबर वहाँ पे चीप मिल रही होती है पाकिस्तान और इंडिया में, तो वहाँ पे ये लोग काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स खोल के और कर चुके होते हैं। मैं 2 कॉल सेंटर्स में काम कर चुका हूँ जब मैं पाकिस्तान में था, और आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे, आप लोगों में से मोर देन 50% ने जॉब की होगी। तो सीन क्या है, अब और आपके पास एजुकेशन भी नहीं है लेट से, अगर है तो फिर तो आप दूसरे भी ढूंढें, और इवन अगर है भी तो भी स्टार्टिंग के लिए आप ये कर सकते, क्यों ये लोग 3,000 से 5,500 तक देते हैं, जो कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी सैलरी अगर आप कोई और जॉब नहीं मिलती, और जिनकी एजुकेशन लेस है जैसे मैट्रिक है और बट उनकी इंग्लिश अच्छी है, या इंटरमीडिएट है और उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो उनके लिए तो फिर मज़े हो गए भाई, वो 3,000 या 3,500 स्टार्टिंग जॉब लें तो बेस्ट है। तो कॉल सेंटर्स की होती हैं, तो ये वाली जॉब्स हर कोई कर चुका होता है और हर कोई कर सकता है, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का कॉल सेंटर होता है, और काफ़ी अच्छा हर एक डिपार्टमेंट का कॉल सेंटर होता है, और यहाँ पे भी ऐसे होता है कि काफ़ी सारे कंपनीज ने इस तरह के कंपनीज, छोटी कंपनीज बनाई हुई हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स लिए होते हैं बाकी कंपनीज से, जैसे अब लेट सपोज यहाँ पे RTA एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फतेह बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और XYZ जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये सब काम होता है, बड़े लेवल के जो काम होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर उसमें से आप वो करते हो, ये काम निकालते हो, तो आपका बेस्ट हो जाता है ये सीन, और आप यानी कि विद लेस सर्च और लेस हार्ड वर्क आपको अच्छा सा काम मिल सकता है। इस तरह की कंपनीज को डेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, ठीक है, बैंक्स के भी काफ़ी कॉल सेंटर्स होते हैं, और आई मीन एनी काइंड ऑफ कंपनी का कॉल सेंटर होता है, या वो खुद ओन कर रहे होते हैं या वो थर्ड पार्टी ओन कर रही होती है। तो अगर आपके पास और कोई स्किल नहीं बट इंग्लिश का स्किल है और कॉल सेंटर का स्किल है, तो आप ये ना समझे कि कॉल सेंटर की जॉब कुछ नहीं है, वो CV में डेफिनेटली मेंशन करें, और देयर इज अ बिग 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 एंड आई रियली मीन इट बिग 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 देयर इज अ रियली बिग एडवांटेज फॉर यू पीपल, कभी भी इग्नोर ना करें। मैंने इग्नोर किया था, मैंने मेंशन ही नहीं किया था, मेरी CV में अभी तक मेंशन नहीं है, बट जब यहाँ आए, और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम इसको बहुत मैंने फॉर ग्रांटेड लिया था, आई डोंट नो अबाउट यू, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल कि आप लोगों को इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, तो ये कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, और ये मेंशन करें, और इसके बेस पे आपकी अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, और बल्कि आज से अपनी CV में ये ऐड भी कर लें इस तरह की एक्सपीरियंस को कि आपको जॉब मिल सके। तो हमने बात की स्कूल टीचर्स की, सेफ्टी ऑफिसर्स की, ओवरसीज डिपार्टमेंट की जो आप अगर अपने कंट्री पाकिस्तान और इंडिया से अगर आना चाहते हैं, और कॉल सेंटर्स की। नाउ आई वुड रैंक दोस के जो, क्योंकि जो हम जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनमें किस टाइप के ज़्यादातर लोग हैं और कौन सी जॉब उनको शूट करेगी, वो टीचिंग के भी होंगे 10-20% मैक्सिमम, सेफ्टी ऑफिसर्स के होंगे 30-40%, ओवरसीज के होंगे 50-60%, ठीक है,
और कॉल सेंटर के होंगे 70-80%। कॉल सेंटर का क्या एडवांटेज है, आप आपकी लेस एजुकेशन भी हो, ठीक है, और आप थोड़ा सा पैसा लगा के यहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस भी, और फिर भी मैं इसी तरह की 3,500 या 4,000 पे जॉब करूँ और इतनी, यानी कि उसका करियर तो नहीं डेफिनेटली, ठीक है, सिर्फ कॉल सेंटर के इंडस्ट्री में ही करियर है और कॉल सेंटर की इंडस्ट्री का मतलब, बट मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग का जो स्टार्टअप है जॉब का फॉर दैट इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप ये किसी अच्छी उस पर पोस्ट पर भी रख सकते हैं कॉल सेंटर में। दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है। लास्ट पे आई वुड नॉट वेस्ट टाइम कि मैं मैंशन करूँ दैट प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग द गुड वर्क, द गुड थिंग। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।